नमस्कार। आज कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं एक तो लागत लेखांकन की प्रणाली, सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक है लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की रीतियां, मेथड। लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की रीतियां, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और एक होता है लागत लेखांकन की प्रविधियां, टेक्निक यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अपने इन तीनों का अध्ययन करेंगे। पहले अपने देखते हैं लागत लेखांकन की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लागत लेखांकन की प्रणालियां बच्चों तीन होती है, ऐतिहासिक अथवा वास्तविक लागत लेखांकन, अनुमानित लागत लेखांकन और परमाप लागत लेखांकन। इन तीनों के अंतर्गत अपने लागत का लेखांकन किस प्रकार करते हैं वो अपने देखेंगे। तो लागत लेखांकन की प्रणालियां के अंदर एक नंबर पर है ऐतिहासिक अथवा वास्तविक लागत लेखांकन। इसमें अपने वस्तु की लागत का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। ऐतिहासिक अथवा वास्तविक लागत लेखांकन इस प्रणाली के अंतर्गत किसी वस्तु, उपकार्य या प्रक्रिया की लागत निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात ज्ञात किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने क्या है कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन पूरा हो जाने के बाद में उसकी लागत ज्ञात करेंगे कि उस पर टोटल खर्चा कितना आया। उसके बाद में वर्तमान अवधि की लागत की तुलना गत अवधि की वास्तविक लागत से करने के पश्चात दोनों अवधियों के व्यय में अंतर ज्ञात किया जाता है तथा अंतर के कारणों की जांच की जाती है और यदि संभव हो तो भविष्य में उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐतिहासिक अथवा वास्तविक लागत लेखांकन में अपने लागत का लेखांकन कैसे करते हैं कि वस्तु का उत्पादन हो जाने के बाद। अनुमानित लागत लेखांकन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अनुमान के आधार पर लेखांकन करें। इसमें अपने जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसकी लागत का लेखांकन हम अनुमान के आधार पर करेंगे, पिछले साल के व्ययों को आधार मानते हुए उसका अपने लेखांकन करते हैं। और तीन नंबर पर आती है परमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। परमाप लागत लेखांकन में भी बच्चों हम क्या है कि अनुमान लगाते हैं, लेकिन परमाप लागत लेखांकन में अनुमान जो होता है वो वैज्ञानिक तरीकों से लगाया जाता है। परमाप लागत लेखांकन में अपने मटेरियल, लेबर और अन्य खर्चों, इनका अलग अलग डिवाइडेड करेंगे और फिर पिछले साल के आधार पर इस साल अपने इनकी तुलना करेंगे और यदि इनके परमाप निर्धारित करते हैं और वस्तु का निर्माण हो जाने के बाद में, प्रोडक्शन होने के बाद में परमाप का और वास्तविक लागत का दोनों का अपने अंतर ज्ञात करते हैं, जिसको वेरियंस कहते हैं, विचरण, और फिर उनके कारणों का पता लगाते हैं कि ये अंतर किन किन कारणों के कारण रहा। तो ये होती है आपके लागत लेखांकन की प्रणाली। अब दो नंबर पर आती है आपके लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की रीतियां, मेथड। इसमें नंबर एक है इकाई लागत लेखांकन, जहां वस्तु का निर्माण कार्य निरंतर चालू रहता है तथा एक ही प्रकार की परमापित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वहां इस रीति का प्रयोग करते हैं। इकाई लागत लेखांकन का अपने यूज कहाँ करेंगे कि जहाँ पर वस्तु का निर्माण कार्य लगातार जारी रहता और एक ही तरह की वस्तु का उत्पादन किया जाता, तो वहाँ पर हम इकाई लागत लेखांकन का प्रयोग करते हैं। दो नंबर पर आते हैं उपकार्य तथा ठेका लागत लेखांकन। जैसा कि नाम से पता है, जब कोई ये लेखांकन सामान्य बड़े कार्यों का होता है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना,
रेलवे लाइन बिछाना, तो इस कार्य के लिए क्या है कि अपने ठेकेदार को ठेके पर वो कार्य दे देते हैं, वो पूरा करे। तो जो कार्य हम ठेके पर देते हैं पूरा करने के लिए, तो उसका लेखांकन करने के लिए ये होता है आपके उपकार्य तथा ठेका लागत लेखांकन। नंबर तीन में आती है आपके प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का अपने उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी प्रोडक्ट का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है, वहाँ अपने प्रक्रिया लागत लेखांकन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले कच्चा माल है वो प्रक्रिया फर्स्ट में डालेंगे, प्रक्रिया फर्स्ट से तैयार होकर जो माल आएगा वो प्रोसेस सेकंड में जाएगा, प्रोसेस सेकंड में जो माल तैयार होकर आएगा वो प्रोसेस थर्ड में जाएगा, और इस प्रकार अंत में माल का पूर्ण रूप से निर्माण होगा। तो जहाँ माल का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में होता है तो वहाँ पर अपने प्रक्रिया लागत लेखांकन का उपयोग करते हैं। नंबर चार पर आता है आपके परिचालन लागत लेखांकन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखो परिचालन लागत लेखांकन वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर किन्हीं वस्तुओं का निर्माण न होकर सेवाओं को प्रदान किया जाता है, जैसे आपके हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन, तो ये क्या है कि सेवाएं प्रदान करती है। तो जहाँ पर ये सेवाएं प्रदान करती है उनका अगर अपने को लागत निर्धारण करना है तो वहाँ पर अपने परिचालन लागत लेखांकन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आते हैं आपके समूह लागत लेखांकन। समूह लागत लेखांकन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ उत्पादन कार्य की सुविधा के लिए कार्यों को पृथक पृथक समूह में पूरा किया जाता है तथा पृथक पृथक समूह में उत्पादित वस्तुओं की लागत ज्ञात की जाती है, उसे समूह लागत रीति कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु का अगर अपने प्रोडक्शन करने हैं तो उसके अलग अलग समूह में उसको कार्य में किया जाता है, तो वहाँ पर होता है आपके समूह लागत लेखांकन। विभागीय लागत लेखांकन अगला पॉइंट है, विभागीय लागत लेखांकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है विभागीय मतलब डिपार्टमेंट, जहाँ पर प्रोडक्शन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, तो वहाँ पर विभागीय लागत लेखांकन का प्रयोग करेंगे। इसमें जैसे लिखा है, जिन उत्पादन संस्थाओं में विभिन्न विभागों का लागत व्यय अलग अलग ज्ञात करना होता है वहाँ पर विभागीय लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है बहुसंख्यक व मिश्रित लागत लेखांकन। जैसा कि नाम से चल रहा है बहुसंख्यक यानी संख्या में अधिक हो, मिश्रित मतलब काफ़ी कुछ मिले हुए हो। जिन उद्योगों में वस्तु का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु छोटी छोटी अनेक वस्तुएं बनाकर उनका संयोजन किया जाता है वहाँ इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ये सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती है लेकिन अपने में पूर्ण होती है। देखो बहुसंख्यक व मिश्रित लागत लेखांकन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ किसी एक वस्तु का निर्माण करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की अपने को आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं, माना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए अपने को मॉनिटर अलग चाहिए, सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, तो ये सारा मिलकर कंप्यूटर बनेगा। और वैसे अपने देखें तो सीपीयू एक अपने आप में पूर्ण है, कीबोर्ड पूर्ण है, माउस पूर्ण है, मॉनिटर पूर्ण है, तो ये सारे मिलकर जब एक वस्तु का निर्माण करते हैं। ऐसी संस्थाओं में जहाँ पर वस्तु का निर्माण करने के लिए अनेक वस्तुओं के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर अपने इस बहुसंख्यक व मिश्रित लागत लेखांकन का अपने यूज करते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके लागत योग लेखांकन, कॉस्ट प्लस। देखो जहाँ ठेके के कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने की आवश्यकता होती है तथा इतना समय नहीं रहता कि किसी कार्य की लागत का ठीक ठीक मूल्यांकन किया जा सके वहाँ इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में ठेकेदारों को इस शर्त पर ठेके दिए जाते हैं
कि उन्हें ठेके की मूल लागत में कुछ और राशि जोड़कर भुगतान कर दिया जाएगा। देखो, जहाँ पर कार्यों को बहुत जल्दी पूरा करना हो और उसकी लागत का अपने एस्टिमेटेड इतनी शीघ्रता से नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर यह लागत योग लेखांकन का प्रयोग किया जाता है कि आपको लागत के अलावा कुछ और राशि जोड़कर आपको दे दी जाएगी। तो ये हो गया आपके लागत लेखांकन। और लास्ट इसमें आता है आपके लक्ष्य लागत लेखांकन। जैसा कि नाम से पता है, लक्ष्य निर्धारित करना। ये रीति मुख्य रूप से सरकारी निर्माण कार्यों के प्रयोग में काम लाई जाती है। इसमें क्या है कि पहले से अपने को लक्ष्य दे देते हैं और लक्ष्य लागत निकालने के बाद में उसमें कुछ निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़ दिया जाता है और वो भुगतान कर दिया जाता है, तो वो हो जाती है आपके लक्ष्य लागत लेखांकन। तो बच्चों, ये हुआ अपने लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की रीतियाँ, मेथड। अब आती है लागत लेखांकन की प्रविधियाँ। लागत लेखांकन की प्रविधियाँ चार प्रकार की होती है। सीमांत लागत लेखांकन, कुल अथवा अवशोषण लागत लेखांकन, एक रूप लागत लेखांकन और प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। नंबर एक है सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले तो आपको मैं बता दूं कि सीमांत लागत किसे कहते हैं। एक वस्तु के उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि होने पर जो कुल लागत में परिवर्तन होता है वो सीमांत लागत कहलाती है। देखो, सीमांत लागत से तात्पर्य उस लागत से है जो उत्पादन मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी करने से कुल लागत में जो वृद्धि या कमी होती है। इस लागत को ज्ञात करने के लिए उत्पादित वस्तु की प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक श्रम, अन्य प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील कारखाना व्यय, परिवर्तनशील बिक्री और वितरण व्यय शामिल किए जाते हैं। यानी आपने बोला तो इसमें वेरिएबल खर्चे आते हैं। वह लागत जिसमें स्थिर व्ययों को शामिल नहीं किया जाता सीमांत लागत कहलाती है। सीमांत लागत लेखांकन में अपने क्या है कि वेरिएबल खर्चे लेते हैं। आगे आते कुल अथवा अवशोषण लागत लेखांकन। इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों आएंगे। कुल अथवा अवशोषण लागत लेखांकन, इस प्रविधि के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा कार्यों की लागत ज्ञात करते समय समस्त व्यय स्थिर एवं परिवर्तनशील शामिल कहते हैं। इसे संपूर्ण लागत लेखांकन प्रविधि भी कहते हैं। तो बच्चों, सीमांत लागत लेखांकन में तो आएंगे आपके वेरिएबल खर्चे, और कुल अथवा अवशोषण लागत लेखांकन इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं। आगे आते हैं आपके एक रूप लागत लेखांकन। एक रूप लागत लेखांकन, ये प्रविधि वहाँ प्रयोग की जाती है उन संस्थाओं के अंदर जहाँ पर कि खातों को एक समान रखा जाता है, एक रूप रखा जाता है। जब विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो उसे समरूप या एक रूप लागत लेखांकन कहते हैं। ये तकनीक विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है। तो उन संस्थाओं में एक रूप लागत लेखांकन काम में लाया जाएगा जहाँ पर समान सिद्धांतों और समान आपकी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। और लास्ट आता है बच्चों प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कॉस्टिंग। इस प्रविधि के अंतर्गत उपकार्य तथा वस्तुओं को मात्र प्रत्यक्ष लागत से प्रभावित किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष लागत उस अवधि के लाभ से चार्ज की जाती है जिनमें वे व्यय हुई है। इस पद्धति के अंतर्गत कुछ स्थिर लागतों को भी समुचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागतें मानकर लागत में शामिल कहते हैं। देखो, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, जैसा कि नाम से पता है कि इसमें प्रत्यक्ष लागत को शामिल किया जाता है, और अप्रत्यक्ष लागत होती है ना, वो यहाँ पर शामिल नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष लागत को उस साल के लाभ से चार्ज किया जाता है जिसमें वो लागत हुई है। तो ये है लागत लेखांकन की
परवीन। तो ये अपना टॉपिक है लागत लेखांकन की। प्रणालियाँ तीन होती हैं, लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की रीतियाँ और लागत लेखांकन की परवीन। धन्यवाद।